दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है क्षेत्रीय सामान्य ज्ञान। क्षेत्रीय सामान्य ज्ञान से जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकता है वो मैं निकाल के लाया हूँ आप सभी के लिए, जो कि ये सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी एग्जाम में ये एक से दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसलिए आप लोगों को एक से दो को नंबर अपना फिक्स करने के लिए, पक्का करने के लिए ये वीडियो अंत तक देखें। आइए शुरू करते हैं क्षेत्रीय सामान्य ज्ञान से कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, अपना स्वतंत्र चैनल शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश अपना स्वतंत्र चैनल शुरू करने वाला पहला राज्य है। अब आंध्र प्रदेश का नाम आया है तो आइए आंध्र प्रदेश को देख लेते हैं। दोस्तों, ये मैप में आप आंध्र प्रदेश को देख रहे हैं, जो कि थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है, जो कि प्रस्तावित राजधानी अमरावती है। सबसे बड़ा शहर जो है आंध्र प्रदेश का वो है विशाखापत्तनम। जनसंख्या आप देख सकते हैं, इसका जनसंख्या घनत्व 308 किलोमीटर प्रति स्क्वायर है। आंध्र प्रदेश का राजभाषा तेलुगु है। इसका गठन 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं ESL नरसिम्हन। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं N चंद्रबाबू नायडू। यहाँ के विधान परिषद की सीट है 58, विधानसभा की टोटल सीट जो है वो 176 है। राज्यसभा की 11 सीटें हैं और लोकसभा के 25 सीटें हैं। उच्च न्यायालय, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का अपना खुद का न्यायालय है। अब सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन पूछा जाता है आंध्र प्रदेश से, वो पूछा जाता है कि भाषा के आधार पर सबसे पहला जो राज्य का गठन हुआ था वो कौन सा है? तो भाषा के आधार पर जो राज्य गठन हुआ था वो आंध्र प्रदेश है। चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, केरल की राजभाषा क्या है? तो केरल की राजभाषा मलयालम है। अब केरल का नाम आया है तो केरल को थोड़ा देख लेते हैं मैप में। दोस्तों, ये आप केरल का मैप देख रहे हैं। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। सबसे बड़ा शहर तिरुवनंतपुरम ही है। केरल की जो राजधानी है वही सबसे बड़ा केरल की शहर है। और केरल का राजभाषा आप मलयालम देख सकते हैं। केरल का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। केरल के राज्यपाल पी सत्यशिवम हैं। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन हैं। विधानमंडल को देख लेते हैं, यहाँ के एक सदनीय है यहाँ का विधानमंडल। विधानसभा की सीटें 140 हैं, राज्यसभा की सीटें 9 हैं, लोकसभा की सीटें 20 हैं। और केरल का अपना खुद का उच्च न्यायालय भी है, जो कि आप नीचे देख सकते हैं। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, गर्सिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो गर्सिया जनजाति राजस्थान से संबंधित है। अब यहाँ राजस्थान का नाम आया है तो हम लोग मैप में राजस्थान को देख लेते हैं। दोस्तों, ये आप केरल का मैप देख रहे हैं। अब केरल के सॉरी दोस्तों, राजस्थान का मैप देख रहे हैं। दोस्तों, ये राजस्थान का मैप है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। सबसे बड़ा शहर राजस्थान का भी जयपुर है। अब अगले स्लाइड में चलते हैं। राजस्थान की भाषा हिंदी है और जो सरकार है राजस्थान की, वो राज्यपाल कल्याण सिंह हैं और मुख्यमंत्री इस समय अशोक गहलोत हैं। विधानमंडल एक सदनीय विधानमंडल है। विधानसभा की सीटें 200 हैं, राज्यसभा की सीटें 10 हैं, लोकसभा की सीटें 25 हैं। राजस्थान का अपना खुद का उच्च न्यायालय भी है। हम लोग चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात जोग या गोरसप्पा श्रावती नदी पर किस राज्य में स्थित है? तो वो किस राज्य में स्थित है? तो वो कर्नाटक में स्थित है। अब यहाँ कर्नाटक की बात आई है तो कर्नाटक को देख लेते हैं। दोस्तों, ये मैप में कर्नाटक को आप देख रहे हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। सबसे बड़ा शहर कर्नाटक का है बेंगलुरु ही है। अगले स्लाइड में चलते हैं। अगला स्लाइड है, राजभाषा कन्नड़ है। कर्नाटक की राजभाषा कन्नड़ है। कर्नाटक का गठन जो हुआ था वो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। राज्यपाल यहाँ के वज्जू भाई वाला हैं और मुख्यमंत्री यहाँ के HD कुमार स्वामी हैं।
यहाँ का विधानमंडल द्विसदनात्मक है, विधान परिषद की संख्या 75 है और विधानसभा की संख्या 225 है, राज्यसभा की संख्या 12 है और लोकसभा की संख्या 28 है। कर्नाटक का अपना खुद का उच्च न्यायालय भी है, जैसा कि आप नीचे देख पा रहे हैं कि कर्नाटक का उच्च न्यायालय भी है अपना। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सिलिकॉन वैली के नाम से किस शहर को जाना जाता है? भारत का सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध इलेक्ट्रॉनिक शहर कहाँ स्थित है? तो वो बेंगलुरु में स्थित है। बेंगलुरु शहर को सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है और इलेक्ट्रॉनिक शहर के नाम से भी जाना जाता है। अब बेंगलुरु का नाम आया तो देख लेते हैं बेंगलुरु कहाँ स्थित है, किस स्टेट में स्थित है। आप देख पा रहे हैं कि कर्नाटक में ही बेंगलुरु है, जो कि कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। और अभी हम इसी वीडियो में कर्नाटक के बारे में सब बताए हैं, इसलिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में सारा लिखेंगे। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, कॉफी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो कॉफी उत्पादन में अग्रणी राज्य कर्नाटक है। अब कर्नाटक के बारे में हम ऑलरेडी बता चुके हैं, इसलिए आप वीडियो को यहीं रोक के नीचे कमेंट बॉक्स में कर्नाटक की राजधानी, कर्नाटक के राज्यपाल और कर्नाटक के मुख्यमंत्री, ये तीन चीज़ आपको याद रहना चाहिए और तीन चीज़ आप लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोयला उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो कोयला उत्पादन में अग्रणी राज्य झारखंड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, पुष्कर झील कहाँ स्थित है? तो पुष्कर झील अजमेर राजस्थान में स्थित है। अब आइए राजस्थान को देख लेते हैं। जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हैं आप राजस्थान को, राजस्थान की राजधानी जयपुर है और राजस्थान का सबसे बड़ा शहर जयपुर है। अब अभी हम इसी वीडियो में राजस्थान के बारे में सब कुछ बताए हैं, आप वीडियो को यहीं रोकेंगे और राजस्थान के बारे में नीचे कमेंट करेंगे। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कावेरी जल विवाद का संबंध किन राज्यों से है? तो कावेरी जल विवाद का संबंध कर्नाटक और तमिलनाडु से है। अब कर्नाटक और तमिलनाडु का नाम आया है तो कर्नाटक तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं और तमिलनाडु को देख लेते हैं। चलते हैं अपने मैप पर। दोस्तों आप मैप में तमिलनाडु को देख रहे हैं, ये रहा तमिलनाडु और तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है और सबसे बड़ा शहर जो तमिलनाडु का है वो भी चेन्नई है। चलते हैं अगले स्लाइड में। अगला स्लाइड है कि तमिलनाडु का राजभाषा क्या है? तो तमिलनाडु का राज्य भाषा तमिल है। यहाँ के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री के पलानी स्वामी हैं। विधानमंडल यहाँ का एक सदनात्मक है। विधानसभा की सीटें 235 हैं, राज्यसभा की सीटें 18 हैं, लोकसभा की सीटें 39 हैं, जो कि उच्च न्यायालय मद्रास उच्च न्यायालय है इनका। चलते हैं हम लोग अब अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, कृष्णा विवाद किन राज्यों से संबंधित है? तो कृष्णा विवाद आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, असम स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? तो असम में स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सिंह वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। अब आया है असम का नाम तो असम को देख लेते हैं। दोस्तों आप मैप में असम को देख रहे हैं, असम की राजधानी दिसपुर है, सबसे बड़ा शहर जो है वो गुवाहाटी है असम का। चलते हैं अगले स्लाइड में। अगला स्लाइड है कि यहाँ का राजभाषा असमिया है। असम का गठन 26 जनवरी 1960 को हुआ था। राज्यपाल यहाँ के जगदीश मुखी हैं और मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल हैं, जो कि भाजपा से हैं। विधानमंडल एक सदनात्मक है। विधानसभा की संख्या 126 सीटें हैं विधानसभा में और राज्यसभा की संख्या 7 हैं और लोकसभा की संख्या 14 सीटें हैं लोकसभा में। उच्च न्यायालय गुवाहाटी के अंतर्गत आता है। असम में गुवाहाटी का उच्च न्यायालय है, असम का गुवाहाटी उच्च न्यायालय है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो सरदार सरोवर परियोजना गुजरात में स्थित है। अब गुजरात का नाम आया है तो हम लोग मैप में गुजरात को देख लेते हैं। दोस्तों आप मैप में गुजरात को देख पा रहे हैं, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात का सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद है।
अगले स्लाइड में देखते हैं। अगला स्लाइड है, गुजरात का राजभाषा क्या है? तो गुजरात का राजभाषा गुजराती है। गुजरात का गठन 1 मई 1960 को गुजरात का गठन हुआ था। गुजरात का राज्यपाल जो है ओम प्रकाश कोहली हैं, और मुख्यमंत्री विजय रूपानी गुजरात के मुख्यमंत्री हैं जो कि भाजपा से हैं। विधानमंडल एक सदनात्मक विधानमंडल है। विधानसभा की सीटें 182 हैं, राज्यसभा की सीटें राज्यसभा की सीटें 11 हैं और लोकसभा की सीटें 26 हैं। गुजरात का अपना खुद का उच्च न्यायालय भी है। चलते हैं हम लोग अब अपने अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कचारी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो कचारी जनजाति का संबंध असम राज्य से है। असम राज्य को अभी हम लोग देखे हैं कुछ देर पहले इसी वीडियो में। अब आप असम के बारे में कमेंट बॉक्स में लिखेंगे जो भी आपको पता है, और जो नहीं पता है वो वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु के बारे में भी हम लोग इसी वीडियो में देखे हैं, इसलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोंडवाना कोयला क्षेत्र कहाँ पड़ता है? तो गोंडवाना कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में पड़ता है। अब हम लोग मध्य प्रदेश को देख लेते हैं, मध्य प्रदेश का मैप देखते हैं। दोस्तों ये मध्य प्रदेश का मैप आप लोग देख रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर इंदौर है, और आपको बता दूं कि पूरे भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर ही है इस समय। अगले स्लाइड में चलते हैं। अगला स्लाइड है कि मध्य प्रदेश का राजभाषा क्या है? तो मध्य प्रदेश का राजभाषा हिंदी है, और यहाँ के राज्यपाल को अगर देखा जाए, मध्य प्रदेश के राज्यपाल आनंदी बेन पटेल हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ हैं जो कि कांग्रेस से हैं। मध्य प्रदेश का विधानमंडल एक सदनीय विधानमंडल है, और विधानसभा की सीटें 231 मध्य प्रदेश की विधानसभा सीटें हैं। राज्यसभा की सीटें 11 हैं और लोकसभा की सीटें 29 हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर में स्थित है। मध्य प्रदेश का जो अपना उच्च न्यायालय है वो जबलपुर में स्थित है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, रणथंभौर अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो रणथंभौर अभयारण्य राजस्थान में स्थित है। राजस्थान के बारे में भी हम लोग इस वीडियो में देखे हैं। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? तो अयोध्या सरयू नदी के तट पर स्थित है। अब अयोध्या का नाम आया है, तो अयोध्या आपके यूपी में स्थित है। तो यूपी को थोड़ा देख लेते हैं हम लोग मैप में। दोस्तों ये उत्तर प्रदेश का आप मैप देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कानपुर है। अब हम लोग चलते हैं अगले स्लाइड में। अगले स्लाइड में देखते हैं, उत्तर प्रदेश का राजभाषा हिंदी और उर्दू दोनों है। उत्तर प्रदेश का गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। राज्यपाल यहाँ के श्री राम नाईक जी हैं, और मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं जो भाजपा से हैं। विधानमंडल की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का विधानमंडल द्विसदनात्मक है। विधान परिषद की संख्या 100 सीटें हैं। विधानसभा की संख्या 404 है, जो कि 403+1। राज्यसभा की सीटें 31 हैं और लोकसभा की सीटें 80 हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की संख्या भी सबसे हर राज्यों को देखा जाए तो सबसे ज़्यादा है, जो कि 100 है। और विधानसभा की सीटें देखा जाए तो ये भी सबसे ज़्यादा है, और राज्यसभा की सीटें 31 हैं। ये भी हर राज्यों से देखा जाए तो राज्यसभा सीटें सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में हैं, और लोकसभा की सीट देखी जाए तो ये भी सबसे ज़्यादा है, 80 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद में स्थित है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है, जो कि चित्तौड़गढ़ आपके राजस्थान में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी तांबे के लिए प्रसिद्ध है, जो कि खेतड़ी राजस्थान में स्थित है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है, नेपा नगर किस लिए प्रसिद्ध है? तो नेपा नगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। अब ये नेपा नगर कहाँ स्थित है? तो नेपा नगर मध्य प्रदेश में स्थित है। थोड़ा सा नेपा नगर के बारे में और हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि नेपा लिमिटेड भारत में अखबारी कागज बनाने वाला भारत सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र का अग्रणी उपक्रम है। यह मूलतः निजी उद्यमों द्वारा, एक बार इरेज करने दीजिए, यह मूलतः निजी उद्यमी द्वारा 1947 में चालू किया गया था। वर्ष 1949 में मध्य प्रदेश सरकार ने प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया और 1959 में केंद्र सरकार के अधीन होकर सार्वजनिक उपक्रम बना। नेपाल लिमिटेड देश में प्रथम अखबारी कागज का कारखाना है। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है? तो श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसा है। अब आया बात श्रीनगर का, तो श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थित है। अब देख लेते हैं हम लोग मैप में जम्मू कश्मीर कहाँ स्थित है। दोस्तों जैसा कि आप मैप में जम्मू कश्मीर को देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है और जम्मू भी है। तो श्रीनगर ग्रीष्मकालीन राजधानी है और जम्मू शीतकालीन राजधानी है। और सबसे बड़ा शहर जो है जम्मू कश्मीर का, वो श्रीनगर ही है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। चलते हैं अगले स्लाइड में। अगला स्लाइड है कि जम्मू कश्मीर का राजभाषा क्या है? तो जम्मू कश्मीर का राजभाषा उर्दू है। जम्मू कश्मीर का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। राज्यपाल सत्यपाल मलिक हैं जम्मू कश्मीर के, जो कि इस समय राज्यपाल शासन भी चल रहा है। जम्मू कश्मीर में विधानमंडल की बात की जाए तो 2 सदनात्मक विधानमंडल है। विधान परिषद की संख्या 36 है। विधानसभा की संख्या जो 89 है। और राज्यसभा की संख्या की बात की जाए तो 4 है। लोकसभा की बात की जाए तो 6 है। और उच्च न्यायालय की बात की जाए तो जम्मू और कश्मीर का अपना खुद का उच्च न्यायालय भी है। एक बार इसको इरेज कर देते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज कहाँ स्थित है? यानी कि शॉर्टकट में बात की जाए तो एनडीए कहाँ स्थित है? तो एनडीए खड़गवासला महाराष्ट्र में स्थित है। अब बात आई है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों की जैसा कि मैप में आप देख पा रहे होंगे कि महाराष्ट्र कहाँ स्थित है और महाराष्ट्र का मैप आपके सामने है। महाराष्ट्र की राजधानी की बात की जाए तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, जो कि महाराष्ट्र का सबसे बड़ा शहर भी मुंबई है। अब चलते हैं अपने अगले स्लाइड में। अगला स्लाइड है कि महाराष्ट्र का राजभाषा क्या है? तो महाराष्ट्र का राजभाषा मराठी है। महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 को हुआ था। राज्यपाल चेन्ना मनेनी विद्यासागर यहाँ के हैं और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो कि भाजपा के हैं। विधानमंडल की बात की जाए तो विधानमंडल 2 सदनात्मक है। विधान परिषद की बात की जाए तो विधान परिषद की संख्या 78 है। विधानसभा की बात की जाए तो विधानसभा की संख्या 288 है। राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा की संख्या 19 है। लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा की संख्या 48 है। महाराष्ट्र का अपना खुद का उच्च न्यायालय है, जो कि मुंबई में स्थित है। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, बॉम्बे हाई किस लिए प्रसिद्ध है? तो बॉम्बे हाई तेल अनुसंधान के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि मूलतः आंध्र प्रदेश का नृत्य क्या है? तो आंध्र प्रदेश की नृत्य की बात की जाए तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मानस राष्ट्रीय उद्यान आसाम में है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंदन के वन किस राज्य में मिलते हैं? तो चंदन के वन कर्नाटक राज्य में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का मैनचेस्टर तथा भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर तथा भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, तट मंदिर कहाँ स्थित है? तट मंदिर मामल्लपुरम तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर में स्थित है। दोस्तों ये हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन था।
अब फिर मिलेंगे अगले टॉपिक पे अगले वीडियो में।